आप फंसे हो ना, तो जिसको पुकारोगे वो मिलेगा नहीं आपको, या तो वो मिलेगा ही नहीं या वो मना कर देगा। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वॉर्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, ब्रांड न्यू ब्लॉग। सुबह के 6:15 बजे हैं, नहा धो के सभी लोग रेडी होके नीचे आ गए हैं, चल रही है अभी लर्निंग पावर। मोहित बाबू, स्टैंड अप ऑन योर सीट। जी बताओ, दिल्ली किनारे कौन सी नदी है? प्रयागराज, बद्रीनाथ, आगरा। वैसे इस पेड़ को बच्चे लोग विद्या का पेड़ बोलते हैं, लेकिन पता नहीं इनमें ये क्या लगा हुआ है। आज के नाश्ते में बनी है ये वाली मैक्रोनी। बच्चे की कलाकारी देखो, कागज से पूरा फैन बना हुआ, और इस बच्चे ने बनाया। इधर देखो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हांसी। वेरी नाइस। और एक और देखिए बच्चे की कलाकृति, और ये बनाया है इस बच्चे ने, क्या नाम है आपका? मनीष ने ये बनाया है। वाह। फिलहाल तो दोपहर का 1 बजा है और फाइनली छुट्टी हो चुकी है। अभी फिलहाल दोपहर के 2 बजे हैं और फिलहाल का सीन ऐसा है, बच्चे सभी सो रहे हैं, मुझे जाना है सराय में। SBI जो बैंक है, उन्होंने मेरा अकाउंट है वो इनएक्टिव कर रखा है, तो वहाँ पे जाके KYC करानी है। आज बच्चों ने रूल का पालन सही से किया है, सभी बच्चे चारों तरफ सोते हुए ही नज़र आ रहे हैं, एक दो जाग रहे हैं। अच्छा, तुम दवाई की वजह जाग रहे हो? क्यों, तुम लोग क्यों जाग रहे हो? सभी लोग देखो सो रहे हैं कितने मन से। डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने मंगा लिए थे घर से, और ये पासबुक की जगह काम करती है। मेरे पास पासबुक नहीं है, और ये रहा अपना कार्ड केस, इसमें कार्ड है, आधार कार्ड वगैरह जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो मैं अभी सराय में हूँ, KYC कराने आया था, बट एक दिक्कत हो गई है, वो KYC 2 बजे तक ही करते हैं। अब कल स्कूल टाइम पे हो सकता 12 बजे ही छोड़ना पड़ेगा, तब KYC हो पाएगी। तो फिलहाल तो साबुनदानी ले ली है, और सर यहीं पास में हैं गैस एजेंसी पे, तो चलते हैं, फिलहाल निकलते सीधा कैंपस के लिए। फाइनली फिलहाल पहुँच गए कोल्ड स्टोरेज, तो कुछ ऐसा कोल्ड स्टोरेज है शंखेश्वर। यहाँ से आलू के 1-2 पैकेट लोड होंगे, लोड करके फिर निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल तो हम और सर इस ओमनी पे आए हैं, तो इसमें 1-2 आलू का पैकेट लोड करते हैं और फिर निकलते हैं कैंपस की तरफ। और इस कोल्ड स्टोरेज में आलू तो आलू, इसमें देखो मक्का कितनी पड़ी हुई है। फाइनली हॉस्टल पहुंच गए हैं, बच्चे नीचे वेट कर रहे हैं, तो फिलहाल कोचिंग पढ़ाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फिलहाल तो सर वाली स्कूटी लेके निकल चुके हैं पटना के लिए, एक बच्चा है उसको छोड़ने जाना है, तो फिलहाल वो है और हम हैं। फिलहाल अभी मोहम्मदाबाद वाले हाईवे पे चल रहे हैं। तो फाइनली उस लड़के को तो सक्सेसफुली ड्रॉप कर दिया है, बट एक दिक्कत हो गई है, इधर से स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, और पैदल 300-400 मीटर खींच भी लाया हूँ, देखो पसीना पसीना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब फंस गया आज, स्कूटी फंस दिया इसने। ये स्टार्ट तो हो रही है, कभी कभी स्टार्ट हो जाती है, 1-2 मिनट चलती है, लेकिन जैसे ही इस पर लोड पड़ता है वैसे ही बंद हो जाती है। पता नहीं क्या दिक्कत है, सर ने किक मारने के लिए बोला, वो भी मार देखी, स्टार्ट हो जाती कभी कभी, कभी कभी नहीं होती है। अब देखते हैं, शायद सर आ रहे हैं, बाइक लाएँ या देखो क्या लेके आते हैं, तभी ये यहाँ से खींच के ही जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती। वैसे भी मैं ज़्यादा स्कूटी चलाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैंने ज़्यादातर बाइक ही चलाई है, स्कूटी बहुत कम चलाई है, और डर डर के लेके भी आया तो आज यहाँ फंस गया। अब पता नहीं कितने टाइम सर आएंगे, तब जाएंगे, और शाम होने वाली है, तो चारों तरफ का आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं कैसा लग रहा है। फिलहाल ये पखना गांव की शुरुआत में ही है, 200-300 मीटर, लगभग 400 मीटर ले आए हैं गांव से इधर साइड। तो रोड की साइड में ये अपनी स्कूटी खड़ी है, यहीं पास में पीपल है, और थोड़ी दूर पर इधर गाँव है, ये रहा कुछ आम का बाग, और इधर साइड से हमको जाना है कैंपस की तरफ, इधर खेत वेत हैं। अब जब तक सर नहीं आते तब तक मैं ना इसको पैदल खींचने में लगा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा पजनीली लग रही है, क्योंकि बाइक या स्कूटी कोई भी हो, पेट्रोल वाली चीज़, अगर उसकी पेट्रोल ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए तो ऐसी बहुत ज़्यादा पजनीली लगती है। ये भी जैस तैस चल रही है, और इस रोड पर जाना है सामने, तो देखते हैं कब सर आते हैं, कब पहुँचते हैं कैंपस में। तो फंस गए, बुरे फंसे आज, धीरे धीरे इस तालाब तक लेके आ पाया। ये स्कूटी खड़ी है, और ये मैं बैठा हूँ स्कूटी के ऊपर, तो थोड़ा बहुत और आराम करते हैं,
फिर चलेंगे आगे। अब एक दिक्कत और हो गई है, यहाँ पास के दो सर थे, एक योगेंद्र सर और एक अरविंद सर, दोनों सर का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। सर उनसे ही कांटेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे बाइक से तो धक्का वक्का मार के कैसे पहुँच जाएगी, हॉस्टल में पहुँच जाएगी, लेकिन उनका स्विच ऑफ है। हमें लग रहा है आज ही पैदल खींचनी पड़ेगी, और यहाँ से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर है हॉस्टल, तो आज तो पक्की लगने वाली है। तो और शाम भी होने वाली है, ये ब्लॉग भी अब आपको दिखा भी नहीं पाएंगे कैसे गए कैसे नहीं गए, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, ऐसे ही है सिंपल सा फ़ोन। अब धीरे धीरे खींच के यहाँ पे पहुँचा दिया है, जो यहाँ पे बाघ पड़े थे ना बहुत से, मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया था, आप देख लो चारों तरफ, इधर भी बाघ उधर भी बाघ इधर भी, बहुत दूर दूर तक बाघ हैं, और वहीं तक खींच के ले आए लगभग। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप फंसे हो ना, तो जिसको पुकारोगे वो मिलेगा नहीं आपको, या तो वो मिलेगा ही नहीं या वो मना कर देगा, मतलब समस्या ज़रूर हो जाएगी। तो आज ऐसी सिचुएशन है ना, उन दोनों सर की कॉल लग रही, हमने अपने जो दोस्त हैं सर के भाई हैं उनको लगाई, वो भी ऑफ, सर के पास बाइक भी नहीं, सर जिसको जानकारी वाले को लगा रहे वो भी नहीं लग रहा, तो आज तो पता नहीं क्या होगा। शाम होने वाली है, स्कूटी यहाँ खड़ी है, अब शाम भी होने वाली है, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भी अभी तक कोई आया नहीं है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अब कैसे पहुँचेंगे कैसे नहीं, वो अगर नेक्स्ट ब्लॉग आएगा कैसे पहुँचेंगे तब कल ही आपको जानकारी दे देंगे कैसे आए थे कैसे नहीं आए थे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो आप लाइक करना, ऑब्वियसली पसंद आएगा तो आप लाइक कर ही देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, गुड बाय।